दोस्तों नमस्कार, आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे। आज जो पार्ट अपन ले रहे हैं वो दिल्ली पुलिस और एसएससी और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला पार्ट है। अब रोज़ाना आपको एक क्लास दिल्ली पुलिस और एसएससी को समर्पित क्लास मिलेगी, जो डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। ये क्लास आपको रोज़ाना रेगुलर एक क्लास उपलब्ध होती रहेगी। आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए और साथ में अपने अपने नोट्स बनाइए। अगर आपको क्लास पसंद आ गई है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आज का अपना टॉपिक जो है वो है शास्त्रीय नृत्य। आज हम दोस्तों बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य जो है ये शास्त्रों से लिया गया है। जैसे पहला शब्द आए यहाँ पे नृत्य। अब नृत्य के मुख्य दो पार्ट आपके लेवल में हैं, एक राज्यों के लोक नृत्य और एक राज्यों के शास्त्रीय नृत्य। जब हम इसके इतिहास में जाते हैं तो शास्त्रीय नृत्य का मतलब है कि शास्त्रों से जिस नृत्य को, जिस शैली को लिया गया है उसे शास्त्रीय नृत्य कहा गया है। शास्त्रीय नृत्य में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का एक पुस्तक है, ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ में आठ प्रकार के मुख्य रूप से भारत के अलग अलग राज्यों के शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है इसमें आठ शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं, जो अलग अलग राज्यों का अलग अलग आप देखेंगे। जो शास्त्रीय नृत्य हैं इन पे दो शैलियों का प्रभाव है। इसमें शैली की बात की जाए तो इसकी दो शैलियां हैं। एक शैली का नाम है तांडव शैली। क्या? एक है तांडव शैली और एक इसकी है लास्य शैली। तांडव शैली और लास्य शैली, तांडव शैली और लास्य शैली। तांडव शैली जो है ये पुरुष प्रधान शैली मानी गई है। तांडव शैली शिव का प्रतीक मानी गई है। लास्य शैली को पार्वती का प्रतीक माना गया है। ये नारी प्रधान शैली है। इसमें नारी के गुणों वाली कलाएं दिखाई देती हैं लास्य शैली के जो शास्त्रीय नृत्य हैं। और जो तांडव शैली के शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें पुरुष प्रधान गुणों वाली शैली है और कुछ ऐसे नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्यों में मात्र दो जिन पे तांडव शैली का प्रभाव है। तांडव शैली के प्रभाव वाले शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाए तो इसमें एक तो आता है उत्तरी भारत का कथक और एक आता है केरल का कथकली। टोटल आपने पढ़ा कि वर्तमान में आठ प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से दो पे तांडव शैली का प्रभाव है, कथक और कथकली। अब जैसे आप देखेंगे कि इन शास्त्रीय नृत्यों को समझने के लिए आप भारत के मैप से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो आप देखिए भारतीय मैप के माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको राज्य ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका संबंध शास्त्रीय अलग अलग शास्त्रीय नृत्यों से है। इसमें सबसे पहले अपन भारत का एक मैप बना लेते हैं छोटा सा। ऐसे इसी तरीके से आप भी इस मैप के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे आप इसमें राज्य दर्शाएंगे तो ये वाला राज्य केरल राज्य है। यहाँ पे कौन सा राज्य है? केरल। केरल का शास्त्रीय नृत्य अपन इसको पढ़ना है। ये वाला जो राज्य यहाँ पे है इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य अपन देखेंगे। इसके ऊपर जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है ये। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के ऊपर ही जो राज्य है वो है उड़ीसा राज्य। और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं दोस्तों, इसमें टोटल पूर्वोत्तर में सेवन सिस्टर सात राज्य हैं। सात राज्यों में आप देखेंगे यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम है,
मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल है और यहाँ पे बीच में असम है। लेकिन शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाए तो आपको पूर्वोत्तर के दो राज्यों को ध्यान में रखना है, एक तो असम और असम के साथ में एक मणिपुर, असम और मणिपुर। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है सत्रिय या सात्रिय। सात्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है ये असम का है। सात्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का है। मणिपुर का है मणिपुरी, मणिपुर का है मणिपुरी। मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। इसके अलावा आप देखेंगे ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है ओडिसी, ओडिशा का है ओडिसी। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। और केरल के शास्त्रीय नृत्य दो हैं, एक का नाम है कथकली, एक का नाम क्या है? कथकली है। और एक का नाम है मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है केरल से। इसके अलावा आप देखेंगे उत्तरी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथक। उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक, जिसका संबंध जयपुर से भी है, जयपुर राजघराने से भी इसका संबंध रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कथक, सात्रिय, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथकली और मोहिनीअट्टम, आठ शास्त्रीय नृत्य आपने पढ़े। राज्यों की लोकेशन के एंगल से आप देखें तो पूर्वोत्तर में सात राज्य हैं, दो राज्य ऐसे हैं जिनमें शास्त्रीय नृत्य का प्रचलन है, एक तो असम का सात्रिय और दूसरा मणिपुर का मणिपुरी। आपसे पूछें कि पूर्वोत्तर के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें शास्त्रीय नृत्य किया जाता है या जहां का शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है, तो वो राज्य हो गए असम और मणिपुर। इसके अलावा आप पूर्वी तट के सारे सारे चलोगे तो पूर्वी तट पे ओडिशा तट से स्टार्ट हो जाएंगे। ओडिशा तट को उत्कल तट कहते हैं। ओडिशा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है, तो ओडिशा में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। ओडिशा के जस्ट आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, दक्षिणी भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की तटरेखा को काकीनाडा का तट भी कहते हैं। उसके नीचे चलोगे तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु जिसकी तटरेखा कोरोमंडल कहलाती है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु का जो महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, ओडिसी का संबंध ओडिशा से, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से। अब इसके पश्चिमी तट के तरफ चलेंगे तो केरल, केरल जो है इसमें दो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं, मुख्य रूप से मोहिनीअट्टम और कथकली का संबंध केरल से है। केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। उसके बाद उत्तरी भारत का आप शास्त्रीय नृत्य देखेंगे तो उसका नाम कथक है। कथक का संबंध जयपुर और उत्तरी भारतीय राज्यों से है। तो ये महत्वपूर्ण आपने आठ शास्त्रीय नृत्य देखे। इनकी शैली के बारे में आपने देखा कि तांडव शैली से प्रभावित जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कथक और कथकली हैं। इसके अलावा छह बच गए जिन पे प्रभाव है लास्य शैली का, इन पे लास्य शैली का प्रभाव है। शास्त्रों में नाट्य शास्त्र जो है इसमें आठ प्रकार के मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया गया है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो आपने नृत्य देखे हैं इसमें देखेंगे आप कि किस प्रकार से अलग अलग जो नृत्य हैं उनके कलाकारों के द्वारा किस प्रकार से नृत्य किया जाता है। ये वाला जो आपको स्टेप दिखाई दे रहा है ये भरतनाट्यम से है, इसका संबंध है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु।
इसके बाद में इसे अगला देखेंगे, ये वाला जो शास्त्रीय नृत्य आपको दिखाई दे रहा है ये शिव पार्वती का प्रतीक मतलब कथकली, कथकली शास्त्रीय नृत्य है। इसका संबंध हो गया केरल से। कथकली का संबंध कहाँ से है? कथकली का संबंध केरल से है। अगला आप देखेंगे ये वाला जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध है मणिपुर से, मणिपुरी। ये वाला शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है पूर्वोत्तर में, जिसका संबंध मणिपुर से है। इसके बाद में अगला आप देखेंगे ये वाला जो शास्त्रीय नृत्य आपको दिखाई दे रहा है ये है ओडिसी, ये ओडिसी है और इसका संबंध हो गया ओडिशा से। संबंध कहाँ से हो गया? ओडिशा से हो गया है। इसी तरह से और आप देखेंगे ये कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी का संबंध आपको याद हो गया है, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अगला जो है ये मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम का संबंध जो है वो है केरल से। मोहिनी अट्टम का संबंध कहाँ से है? केरल से है। तो इस तरीके से हमने शास्त्रीय नृत्यों की बात की। शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियाँ हैं, एक का नाम तांडव शैली है, एक लास्य शैली है। तांडव शैली का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो कथक और कथकली पे। उनके अलावा जो छह प्रकार के शास्त्रीय नृत्य बच गए हैं वो लास्य शैली से प्रभावित हैं। तो आज हम दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की जो बात की है इसको आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, आपको इससे अच्छी क्लास और देखने को मिलेगी। धन्यवाद।